हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर में अंतर क्या है, और ये कैसे लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, और कैसे गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। उसको आज हम एक टेबल के सहारे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो सभी लोग ध्यान देंगे। जैसे देखो, हमने आपको कल कुछ बताया था कि रेगुलर डीलर किसे कहते हैं, कंपोजिशन डीलर किसे कहते हैं, और उसके लिए रूल क्या है। आज दोनों को हम लोग वैसे थ्योरिकली में वैसे बता दिया था, आज हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट दे रहे हैं, उस कंसेप्ट के सहारे समझिएगा और भी बेटर सब तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, हमने एक कंपोजिशन डीलर का कॉलम बना दिया और एक हमने बना दिया रेगुलर डीलर का कॉलम। किसका किसका? कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर। तो सपोज मान लो आप लोग जितने बैठे हो वह रेगुलर डीलर हो, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, मेरा भी व्यापार है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हमने कराया है, हम कंपोजिशन डीलर मान के चलो। क्या आप लोग रेगुलर डीलर और हम कंपोजिशन डीलर, मतलब दोनों लोगों का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो बताया जाता है कि जब कंपोजिशन डीलर कोई गुड्स परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, और उस गुड्स का रेट जो है, मतलब टोटल जितने का परचेज कर रहा है उसका वैल्यू है 25,000। कितना है? 25,000। और वही गुड्स जब रेगुलर डीलर क्या है, रेगुलर डीलर गुड्स को परचेज कर रहा है, वो भी जो परचेज कर रहा है कितने का कर रहा है? 25,000। गलती से यहाँ पे जीरो छूट गया है, बना लेना, 2,500 नहीं है यहाँ पे, क्या है, 25,000। सही कर लो। अब हम लिख नहीं पा रहे हैं सही से क्योंकि हमारा वो काम नहीं कर रहा सही से, पेन लो जो जीरो बढ़ा दिया, इसका बना दिया, हो गया। और ये जगह और सुधार कर लो, यहाँ पे ये कंपोजिशन डीलर जो लिखा है ना, और यहाँ पे जो कंपोजिशन फीस लिख दिया गया है, यहाँ पे रेगुलर रहेगा बस। ए, ए, चले। तो अब ध्यान दो, जब कंपोजिशन डीलर किसी गुड्स को खरीदता है कितने में? 25,000 में। और वही रेगुलर डीलर किसी गुड्स को खरीदता है कितने में? 25,000 में। मतलब हम भी गए किसी दुकान में, किसी गुड्स को खरीदे 25,000 में, और आप भी चले गए किसी दुकान पे उसी गुड्स को खरीदे 25,000। ये बराबर है? चलो अब देखो, यहां तक बराबर चल रहा है हिसाब किताब, दोनों का कहानी सेम है। उसके बाद से जो 25,000 का जो माल खरीदा जा रहा है, ठीक है, उस पे टैक्स है कितना? 5%। तो टोटल वैल्यू आ जा रहा है 1,250। कितना आ जा रहा है? 1,250। और जब रेगुलर डीलर भी खरीद रहा है तो टैक्स सेम ही है, कितना आ जा रहा है? 1,250। कोई दिक्कत? बोलिए। बोला ए भी 1,250 और ए भी 1,250। अब बोला गया है कि जो परचेज था और जो टैक्स था, तो कंपोजिशन डीलर का जो कॉस्ट हो गया वो हो गया 26,250, समझे। लेकिन ध्यान देना, उसके फिर से रेगुलर डीलर पे आ गए, रेगुलर डीलर का कॉस्ट जो हो गया वो हो गया 26,250। इसका भी 26,250 और इसका भी 26,250। अब यहां तक कहानी तो एकदम सेम है, यहां तक सेम है। अब इसके बाद अंतर क्या है ये समझिए। अगर कंपोजिशन डीलर
जब मार्जिन अपना ऐड करेगा, मतलब अपना मुनाफा ऐड करेगा, तो वो ऐड किया 10%, तो जो 10% ऐड करेगा वो टोटल जो कॉस्ट आया है 26,250, उस पे 10% ऐड करेगा, तो इसका वैल्यू आ गया 2,625। लेकिन वही रेगुलर डीलर जब 10% मार्जिन ऐड करेगा, तो वह जो मार्जिन ऐड करेगा, जितने रुपए का खरीदा था उस पे मार्जिन ऐड करेगा 10%, तो इसीलिए इसका आया 2,625 और इसका आया केवल 2,500। आपको सर क्यों ऐसा है? ध्यान देना, ये रूल बनाया गया है कि ध्यान देना बाबू, जितना में आप खरीदे हो और जितना टैक्स दिए हो सब जोड़ के आप जितना मुनाफा लेना चाहते हो, 2% लेना चाहते हो उस वैल्यू का, कि 3% की, 4% की, 5% की, 10% की, 15%, आप जीएसटी के साथ जो टोटल अमाउंट आ रहा है उस पे जोड़ लेना। किसके लिए दिया गया रूल? कंपोजिशन डीलर के लिए। लेकिन रेगुलर के लिए बोल दिया गया ध्यान दो, आप खरीदे कितने में थे, टैक्स छोड़ के उसी पे 10% मार्जिन ऐड करना, और इसीलिए इसका आया है 2,500 और इसका आया 2,625। आपको सर क्यों ऐसा है? तो देखो ऐसा इसलिए है कि याद करो हम शुरू में पढ़ाए थे आपको, क्या पढ़ाए थे, मतलब कल पढ़ाए थे कि रेगुलर डीलर को आईटीसी प्राप्त होगा और कंपोजिशन डीलर को आईटीसी प्राप्त नहीं होगा। मीन्स मतलब खरीदते समय जो 1,250 रुपये टैक्स दिए थे, ये गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर सकते, तो समझे, या गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर पाएंगे, या आईटीसी का लाभ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जब रेगुलर डील का रूल बनाया गया कि ये जितना टैक्स दिया है उसके नाम से आईटीसी रिकॉर्ड कर दिया जाएगा 1,250, वो जब टैक्स पे करने जाएगा गवर्नमेंट को, क्लेम कर सकता है और बता सकता है सर इस महीने वो इतना रुपया दे चुके हैं। कंपोजिशन के लिए बोला गया बाबू तुमको आईटीसी मिलेगा नहीं, तो छाड़ के रखोगे तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो जीएसटी आ रहा है वो, और प्लस जो आपका जितने में खरीदे वो उसी पे आप मार्जिन ऐड कर लेना। लेकिन यह ध्यान रहे आपको टैक्स नहीं लेना है, टैक्स नहीं लेना है, कल ही पाया था। तो देखो जब यहाँ पे अब इसका डीलर कॉस्ट जोड़ा जाएगा सेल प्राइस, तो देखो डीलर कॉस्ट प्लस मार्जिन तो टोटल आ गया 28,875। कितना आया? 28,875। लेकिन वही जब रेगुलर डीलर के पास आए और जब 10% मार्जिन ऐड किया सेल प्राइस प्लस परचेज प्लस मार्जिन, तो इसका आ गया 27,500। कितना आया? 27,500। आपको तो क्यों? क्योंकि इसने जो मार्जिन ऐड किया किस पे किया है, 25,000 पे, और इसने मार्जिन ऐड किया वो 26,000 पे, इसलिए वैल्यू ज्यादा आया है, और इसीलिए जब सेल प्राइस अगर देखा तो 28,875 इसका आया और 27,500 इसका आया। लेकिन अब देखो कहानी यहाँ से फिर से स्टार्ट होता है, नया अब नया मोड़ लेगा। क्या नया मोड़ लेगा? तो बोला गया है जीएसटी टैक्स कंपोजिशन डीलर कैन नॉट चार्ज टैक्स, मतलब कंपोजिशन डीलर उस वैल्यू पे टैक्स चार्ज नहीं कर सकता, इसीलिए जब बेचेगा तो टैक्स क्या होगा, जीरो, और कस्टमर का जो प्राइस हो जाएगा वह हो जाएगा 28,875, समझे। लेकिन वही जब रेगुलर डीलर बेचेगा, तो हम बताए थे कि रेगुलर डीलर टैक्स लेता भी है और टैक्स देता भी है, ठीक है। तो आईटीसी जब देता है तो आईटीसी मिल जाता है, और जब लेता है तो टैक्स लाइबिलिटीज बढ़ जाता है, याद है कल भी समझाया था। अब देखो जब यह बेचेगा कस्टमर से तो 27,500 पे फिर से 5% जीएसटी लेगा, ही नहीं 10% ले लेगा, 5% जीएसटी ले लेगा। तो देखो कितना आ गया, 1,375 और 27,500 और 1,375 जोड़ोगे तो फिर से कस्टमर का प्राइस हो जाएगा 28,875। अब बताओ मतलब क्या, अगर कोई ग्राहक आता है तो चाहे तुम लोग से खरीदे, अच्छा हमसे खरीदे, उसको टैक्सवा उतना ही देना है और उतना ही रुपया उसको मिलेगा, कब, जब हम लोग का सेम रेट है। तो अब वही सामान हम बेच रहे हैं 20 रुपये में, कोई बेच रहा है 15 रुपये में, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब सेम रेट पे हम और आप दोनों लोग बेच रहे हैं और आप टैक्स नहीं ले रहे हो और हम टैक्स ले रहे हैं,
या हम टैक्स नहीं ले रहे हैं, आप टैक्स ले रहे हो, तो एक आम यूजर आएगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, कंपोजिशन डीलर से खरीदेगा तो भी उतना ही मिलेगा और रेगुलर डीलर से खरीदेगा तो उतना ही मिलेगा। या व्यापारों व्यापारी जो है ना, जो बिजनेसमैन है, इनके बीच की बात है, उनको उनके बीच की बातों को मैं समझा रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, एक आम जनता को नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट बस चाहता है कि छोटे से छोटे व्यापारी क्या हो, हमसे कनेक्ट हो, जुड़े, और जिसे आसानी तरीके से हम जान सके कि कितने लोग व्यापार करते हैं और कितना हमारे यहाँ टैक्स आता है, और एक एक करके प्रोसेस का जानकारी ले लेते हैं सब। अब देखो क्या हुआ, फिर से कल हम समझाए थे कि रेगुलर डीलर को टैक्स जो पे करने का रूल बनाया गया है, जीएसटी पे इक्वल टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी, मतलब कितना दिया माइनस करो कितना, मतलब कितना लिया माइनस करो कितना दिया, मतलब टैक्स लाइबिलिटी माइनस आईटीसी बोलो। लेकिन कंपोजिशन डीलर के लिए क्या रूल बढ़ाए थे कि वो अपने टर्नओवर का 1% बस देगा, कितना देगा 1%। तो देखो, जब ये टैक्स पे करने जाएंगे, मान लो साल भर में इतने ही के बेच में किए थे, साल भर में भी इतना ही के बेचे थे, या एक महीने में इतने का बेचे थे और ये भी एक महीने में कितना बेचे थे, या 3 महीने में इतना का बेचे थे और ये 3 महीने में इतने का बेचे थे, तो बोला गया कि जब ये टैक्स पे करने जाएंगे तो उसका 1% देंगे, और इसका 1% जोड़ोगे तो 289 रुपया आ जाएगा, समझे। और जब ये टैक्स देंगे तो कहता ना हम रूल लगाएंगे, क्या टैक्स पेबल इक्वल टैक्स लाइबिलिटीज माइनस आईटीसी, तो 1375 लिया माइनस 1250 दिया तो कितना आ गया 125। अब बताओ, यह 125, ध्यान से सुनना, यह 125 दे रहे हैं और यह 289 दे रहे हैं। अब बताओ, इस सेल पे, इस टर्नओवर पे टैक्स कौन दे रहा है ज्यादा, कंपोजिशन डीलर या रेगुलर डीलर? कंपोजिशन डीलर। रेगुलर डीलर क्या कर रहा है, कम दे रहा है। आप कहोगे तो सबसे अच्छा तो रेगुलर है, लेकिन देखो कल का क्या बताया था, इसको बोला जाएगा सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए और सारा बिल वाइज आपका रिकॉर्ड मैच करना चाहिए, सारा रिपोर्ट आपको देना है, इसके लिए हम किसी बंदे को रखेंगे, हायर करेंगे और उसको सैलरी देंगे, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन कंपोजिशन डीलर के लिए कहा जाता है कि आप अपना टर्नओवर कितने का किए हो बस बता देना, वही पैसा हम ले लेंगे, हर महीने आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, हर महीने का रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, 3 महीने पे एक बार बस बता देना टोटल कितने रुपए का सेल किए हो, मतलब जिससे उसके कंप्यूटर के खर्चे, कुछ पावर के खर्चे, चलो जो इम्प्लाई है उनका सैलरी, ये सब हो जाता है। लेकिन रेगुलर में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि मैनुअली रेगुलर वाला कर ही नहीं सकता है, उसके लिए अगर बड़ा व्यापार है उसका, और बड़ा व्यापारी है तभी तो रेगुलर में आया है, तो उसको अकेले तो करेगा नहीं, फिर एक नहीं सब कर लेंगे, ठीक है। तो दिक्कत है कि किसी ना किसी बंदे को हायर करेगा तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कहोगे सर हमको क्या फायदा, एक आम जनता को क्या फायदा, कोई फायदा नहीं, जितना टैक्स वाला इसको दे रहे हैं उतना ही टैक्स वाला इसको दे रहे हैं, कैसे मतलब दिखा नहीं रहा ले रहा है, ये दिखा रहा है तब ले रहा है, टोटल टैक्स एक आम जनता कितना दे रहा है 1375 इंडिया रेगुलर डीलर के हिसाब से, चलो मैं इसका भी निकाल देता हूँ, देखिए टैक्स वो सब जोड़ लिया है तब इतना आया है ना, देखो 1250 रुपया हम ये भी जोड़ लिया, इसका क्या नुकसान हुआ, कुछ नहीं, तो 1285, और जब मार्जिन में ऐड किया है तो यहाँ पे इससे ज्यादा कितना आ रहा है 125 रुपया, करीब 125 रुपया और 1250 जोड़ो कितना हो जाएगा 1375, मतलब टैक्स वाला उसको भी इतना देते हैं और इसको भी इतना देते हैं, अगर सेम रेट रहे उतना में इससे भी खरीदेंगे और उतना में इससे भी खरीदेंगे, तो ध्यान देना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी के पास जाए चाहे रेगुलर डीलर हो चाहे कंपोजिशन डीलर हो, हम सामान खरीदने चले आएंगे, किसी रेगुलर वाले हो कि कंपोजिशन वाले, भगो सामान होने देंगे, वो हमारी बात हो क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना ये कंफ्यूजन दूर करना तुम्हारा ना, बस यही है, लास्ट में थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं और ये थोड़ा सा कम दे रहे हैं, लेकिन
कुछ फायदे भी हैं। फायदे यह है कि इनको कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने की क्या समझाया, बहुत सिंपल है। चलो आप किसी दुकान पे चले गए, ठीक है, मान लो ये उसके हैं और ये पीके, ये दोनों व्यापारी है, इसका रजिस्ट्रेशन रेगुलर में हुआ है और इसका कंपोजिशन में हुआ है। किसी सामान को खरीदता है उस महीने 25,000 का खरीदता और वो भी उस महीने में 25,000 का खरीदते, ठीक है, मतलब एक ही दुकान से खरीदते हैं ना, अलग दुकान से खरीदते हैं, इससे मतलब नहीं है। और जाहिर सी बात है सेम प्रोडक्ट है तो टैक्स तो अलग होगा नहीं, 5% इस पे भी लगेगा और 5% इससे भी लगेगा, तो 1,250 का भी होगा, 1,250 का भी होगा, ठीक है। जब कॉस्ट जोड़ेंगे इनका भी वही कॉस्ट पड़ेगा 26,250 और इनका भी वही कॉस्ट पड़ेगा, समझे ना। लेकिन अब गवर्नमेंट यहाँ पे करार गुजा बाबू, यहाँ तो बराबर है। अब इसके बाद से जब तू अपना मार्जिन ऐड करना, मुनाफा ऐड करना, तो इसके लिए बोल दिया है कि तू पूरा पैसा जोड़ लेना, उसी पे जितना परसेंट मार्जिन ऐड करना उतना कर लेना, और वो पैसा आ जाता देखो यहाँ पे 26-25। और ये कहता है रेगुलर के लिए कहता है बाबू ध्यान दो क्योंकि तुमको माइक इसी देंगे, इस पे भी टैक्स, दोनों के टैक्स के ऊपर टैक्स हो जाए, इसीलिए इसको छोड़ दो और जितने में खरीदे उस पे टैक्स ऐड कर देना, मतलब मार्जिन ऐड कर देना। ये 25,000 का मार्जिन ऐड कर रहा है और ये 26,000 पे ऐड कर रहा है, इसीलिए इसका 2,500 आ रहा है और इसका 2,600 आ रहा है। फिर से बोलता है कि बाबू ध्यान दो, अब तुम जोड़ोगे 26,250 और 2,625 तो हो जाएगा 28,875, ठीक है। लेकिन इसको कहता नहीं बाबू ध्यान देना, टैक्स को छोड़ो, YTC आपका 25,000 जोड़ लेना और 2,500 जोड़ लेना तो 27,500 आ गया। अब कहता है बेचते समय ध्यान देना, तुम बेचोगे तो टैक्स नहीं लोगे और ये बेचेगा तो टैक्स लेगा क्योंकि इसका रूल है, ठीक है, जीएसटी में बताया गया है। तो यह जब बेचेगा तो 28,875 पड़ा, कस्टमर टैक्स लेगा नहीं, तो कस्टमर से इतना ही बेच देगा, लेकिन जब बेचेगा तो क्या करेगा, रेटवा दिखाएगा 27,500, फिर इस पे 5% जीएसटी ले लेगा, तो फिर से 1,375 आ जाएगा, दोनों जोड़ेगा फिर से 28,875 आ जाएगा। अब ये टैक्स जब पे करने जाएगा तो ये रूल लगाएगा कि टैक्स पे वल कि इक्वल टैक्स लायबिलिटीज माइनस आईटीसी, तो कितना ले लिया आदमी 1,375 ले लिया है और कितना दे दिया है 1,250, इसीलिए 125 रुपया दे रहा है, ठीक है। अब यह टैक्स कैसे देगा, तो 1% ही क्यों देगा जितने का सेल किया, ठीक है, 1% निकालेगा तो 289 रुपया आ जाएगा, मतलब 288 रुपया कुछ पैसा आएगा, ठीक है, ध्यान देना तो समझना। तो यह मैंने 289 किया तो दोनों में ये थोड़ा सा कम दे रहा है और ज्यादा दे रहा है, लेकिन ध्यान देना इसको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है, इसको नहीं करने की जरूरत है, इसी से फायदे में रहता है, थोड़ा सा नुकसान में रहता है, लेकिन हाँ बड़ा व्यापारी तो अच्छा इसके लिए भी है, एक छोटा व्यापारी इसके लिए अच्छा है। हाँ अब हम खरीदते हैं दोनों से, इसको भी हम इससे भी खरीदेंगे तो टोटल एक आम कंज्यूमर ही तो देता है टैक्स, वह तो पूरा टैक्स कितना दिया गया 1,775, ठीक है, और इससे भी खरीदे तो देखेंगे 125 इसमें ले लिया था तो जो मार्जिन ऐड किया था तो, और 1,250 क्योंकि दोनों जोड़ लिया था, ठीक है, तो 1,225 ये 50 ये और 125 ये, तो 1,250 और 125 फिर से 1,375 ये भी हो जाएगा, 1,375 ये भी हो जाएगा, सिंपल। और गवर्नमेंट कैसे भी चाहता है व्यापारी मास्टर छोड़े करा, समझे ना, टैक्स चोरी कम हो, आम जनता जो टैक्स देता है उसको सही से उसका बेनिफिट मिल सके। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो पता नहीं चलता आईटीसी का होता है, टैक्स कितना देते हैं और कितना लेते हैं, सब बड़े बड़े व्यापारी कमाते हैं, पर हाँ जो रजिस्ट्रेशन किए हैं तो पैसे के ऊपर पैसा लेता हो, और अपने देता तो सिस्टमेटिक तरीके से देता है, वो आपको भेज देगा 200 में, वो दिखा देगा 150 में, उसके बाद से आपका बिल बना के भेज देगा, तब 150 बेचे थे, पूछते हो ना कुछ करते, और वही रिकॉर्ड मेंटेन करना होता तो बोलो, अरे यार अगर हम भी व्यापारी होते और रजिस्ट्रेशन करा तो हमारे रिकॉर्ड भेजते ना, तो मान लो हमारा जिसम खरीद वो भेजता 150 पे और हम भेजते पर मतलब वो भेज दिखाता सेल किए हम 200 पे और हम दिखाते क्या है 250 पे, तो डाटा मैच नहीं करता, मैच करेगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन वही है, आपसे खरीदो वही रहेगा और अपना रिटर्न भरोगे तो वही रहेगा, तो मेरे ही नाम से तुम दिखा रहे हो उसी डेट में कि 200 रुपये हम बेचे थे और हम उसी डेट में दिखा रहे हैं 150 में, या आप दिखा रहे हो 150 में, तो
हम दिखा रहे 250 में, तो गवर्नमेंट तुरंत पकड़ नहीं लेगा? अरे यार हम तुमसे खरीदेंगे, तुम सेल में चाहोगे उसी डेट पे मेरे नाम से, मैं आपसे खरीद रहा हूँ तो मैं उसी डेट को आपके नाम से चढ़ाऊंगा, तो मैं अपना रिकॉर्ड भेजूंगा, तू अपना रिकॉर्ड भेजोगे, मैं ऐसे नहीं करेगी, दिक्कत तो जाएगी। तो ये ना भेजते है ना, पता चल जाए जो पता है व्यापारी कौन, छोटे व्यापारी नहीं। हाँ इस मामले में हमारी बोला आ गया, ठीक है ध्यान दीजिए। बोलो कोई दिक्कत समाया नहीं आ रहा तुमको? नहीं आ रहा है ना, मारेंगे नमो हटा दो, कर हटा दिया नमो, पढ़ो मंत्र है। हाँ चलो क्या हुआ जी, अब चलो ये समझ गया ना, तो उसके बाद से इनवाइस को समझना जरूरी है, इनवाइस। तो चलिए अब देखो इनवाइस होता क्या, इसको समझिए। बोला जाता है कि इनवाइस किसी भी कंप्लायंस का महत्वपूर्ण पार्ट होता है, इसीलिए इनवाइसिंग के नियम को समझना बहुत ही आवश्यक है। जीएसटी में दो प्रकार की इनवाइस इशू करने का प्रोविजन है, मतलब प्रावधान है, जिसे निम्नलिखित टेबल के द्वारा समझा जा सकता है। अब समझना, पहले तो समझो इनवाइस, मतलब इनवाइस मतलब वो बिल जो हम खरीदते समय हमको मिलता है या बेचते समय हम लोग देते हैं, उसमें कस्टमरों का लिस्ट, सप्लायरों का लिस्ट, कहाँ से कहाँ माल जा रहा है उसका लिस्ट, किस ट्रांसपोर्ट से जा रहा है उसका लिस्ट, कौन कौन सा सामान बेच रहे हैं, रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, ठीक है, जीएसटी कितना सारा उस पर आता है, उसे बोलते बिल, और अकाउंटिंग के भाषा में बोलते हैं इनवाइस। क्या बोलते हैं? इनवाइस। अब जीएसटी में बोला गया है कि पहले मनमानी लोग देते थे इनवाइस, अब जीएसटी में दो ही प्रकार के इनवाइस इशू होंगे, दो ही प्रकार के बिल बना के लोग दे सकते हैं, कौन कौन सा? एक टैक्स इनवाइस और एक बिल ऑफ सप्लाई। अब इसमें भी देखो अलग है क्या है, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ समझाएंगे, मेरा वो काम ही नहीं कर रहा, सही करवाना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा समझना। देखो टैक्स इनवाइस को और बिल ऑफ सप्लाई को बोला जाता है कि एक व्यापारी जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, लेकिन किसमें है? रेगुलर। वह व्यापारी जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है किसमें? रेगुलर। और वह सामान बेच रहा है, जो गुड्स बेच रहा है, जो सर्विस बेच रहा है, वह टैक्सेबल है। क्या है? टैक्सेबल है। टैक्सेबल हो रहा है ना, जिसपे टैक्स है, जीएसटी है। तो ऐसे सामान को किसी को सेल करेगा, क्या करेगा? जब सेल करेगा तो वह जब इनवाइस इशू करेगा, जो बिल बना के देगा, उस बिल का रहेगा टैक्स। और वही जीएसटी में रेगुलर, जीएसटी में जो रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कराया है और किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को बेचता है, किसको? एग्जेम्प्टेड को। ये मार्कर लाते हैं, ठीक है, एग्जेम्प्ट आया था ना जी, ठीक है। अगर किसी एग्जेम्प्टेड को बेचता है तो क्या होगा? बोलो जैसे बोला उसको टैक्स नहीं है, तो वह इशू करेगा क्या? बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वो कंपोजिशन डीलर हो तो, अगर वो कंपोजिशन डीलर हो तो बोला गया कि चाहे वो टैक्सेबल सामान बेचे, चाहे वो एग्जेम्प्टेड सामान बेचे, वो हमेशा क्या करेगा? बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। बिल ऑफ सप्लाई में फर्क है ना, क्यों बिल का सप्लाई किया, उन्होंने टैक्स लिया नहीं है। अब वो सर क्या, क्यों नहीं लिया? क्यों पहले रूल पढ़ा दिए कि कंपोजिशन से बोला जाता टैक्स दोगे तो टैक्स लोगे नहीं, लोगे लेकिन दिखा के लेगा, ले नहीं रहा है, तुम ही ले रहा है, समझ रहे ना। और रेगुलर वाले बोला गया है कितना दिए ये भी दिखाना, कितना लिए ये भी दिखाना, और इसीलिए जब नहीं लिए तो बिल ऑफ सप्लाई इशू कर, और जब लिए तो टैक्स इनवाइस इशू कर, समझे? यही है, यही लिखवाया गया है। क्या बताया गया है? देखो
बताया जा रहा है टैक्स इनवॉइस के बारे में। जब रेगुलर स्कीम में, सुन लो, जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता, जब रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड कोई डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई करता है, तो उसे एक टैक्स इनवाइस अनिवार्य रूप से इशू करना होता है। समझाया? अगला है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई में कि दो कंडीशन में इशू करना होता है। पहला, जब रेगुलर डीलर के द्वारा किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को सप्लाई किया जाए, ठीक है, और दूसरा, जब कंपोजिशन डीलर के द्वारा गुड्स सप्लाई किया जाए, मतलब चाहे कोई भी गुड्स हो। समाया कि नहीं आया? एक बार और समझ लो, आप कंपोजिशन डीलर हो, चाहे वो सामान ऐसा बेच रहे हो जिसपे टैक्स नहीं है, फिर भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, और टैक्स है फिर भी बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे। क्यों? क्योंकि लॉ में लिखा गया आप टैक्स नहीं ले सकते, दिखा नहीं सकते कि टैक्स इनवॉइस इशू किए हैं। लेकिन रेगुलर के लिए बोला गया है, ध्यान देना, जब जीएसटी ना हो तो वहां बिल बना के देना बिल ऑफ सप्लाई, और उस पे जीएसटी हो, टैक्स ले रहे हो, तो वहां बनाना टैक्स इनवॉइस। समझे? तो अभी भी कुछ लोग नहीं लिखते, कुछ भी नहीं लिखते, खाली इनवॉइस लिख देना, फिर भी आगे चल के जब चेक होगा तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, कोई उसके बारे में भी नहीं करते, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी कुछ पैसा देना पड़ता घुस का, फिर दीजिए सही कर दीजिए, दिक्कत हो गया, भूल गए, नहीं काट पाए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने दुकान बंद कर भरना पड़ता है, समझ में नहीं आता, दिक्कत होती है। ठीक है, तो अभी भी कुछ देखो, मॉलों में चले जाना, वहां बहुत पक्का बिल बना के मॉल हॉल में, बाद में लिख कर वो अलग बात है, लेकिन वो लिखा रहता है टैक्स इनवॉइस, मैक्सिमम पे लिखा रहता है, मैक्सिमम पे बिल ऑफ सप्लाई लिखा रहता है, कुछ वैसे बस क्या लिख देते इनवॉइस। ठीक है, तो समझे नहीं तो कौन सा इनवॉइस, टैक्स या विदाउट टैक्स? चलो उसके बाद क्या है, कॉपी ऑफ इनवॉइसेस। अब बताओ, अब कह रहा बाबू कि चलो ये तुम बता दिए कौन कौन सी इनवॉइस इशू करोगे, लेकिन कब कितना? तो बोला गया है सप्लाई ऑफ गुड्स, जब कोई सामान बेचोगे, जब कोई वस्तु बेचोगे, तो वहां पे बोला गया तीन कॉपी बनाना, कितना? तीन। पहला ओरिजिनल इनवॉइस, और बोला गया इशू फॉर रिसीवर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, मतलब जो ओरिजिनल इनवॉइस देना उसको देना जिसको माल बेच रहे, जो गुड्स रिसीव कर रहा है, समझे? और अगला डुप्लीकेट कॉपी, जो दूसरा कॉपी बनाना वह उस ट्रांसपोर्टर को देना जिससे वो माल भेजवा रहे, समझे? अरे यार, गाड़ी से माल आता कि नहीं आता है? देखिए, देखते ना, पड़ोना में लगभग 50 से 100 ट्रांसपोर्ट गाड़ी आती है डेली, सुबह 2 बजे 4 बजे 6 बजे तक खाली हो जाता, फिर चला जाता, क्योंकि उसके बाद भीड़ लग जाएगा। हाँ, बगलिया भैया है त्रिपाठी ट्रेडिंग कंपनी, और बगली में कही दूगो है, देखो नहीं यहाँ पे बगलिया में कह रहे हैं, यहाँ पे त्रिपाठी से क्या, उधर भी एक, ठीक है, दो तो आता ही आता डेली। अब चलिए, काला ट्रिप्लिकेट कॉपी, मतलब जो ट्रिप्लिकेट कॉपी बनेगा वो किसके लिए बनेगा? तो रिटेन बाय द सप्लायर, मतलब जो सामान बेचता उसके पास भी होना चाहिए, तू समझे? मान लो अभी नहीं, कोई कहेगा कंप्यूटर चेक करे हमारे पास है, देख लेंगे, बोलो अभी नहीं देगा हमारा, वो आ जाएगा तो जो प्रिंट निकालते हैं, साइन करते हैं, तब देते हैं, हम पहले निकाल कर रखे रहेंगे, क्लियर है? चेक करने के लिए, मान लो ट्रांसपोर्टर चला गया, अब बोल रहे सर माल पहुंचा दिए, मिलाना है, तब कंप्यूटर बार बार खोलेंगे, अरे यार निकाल कर रखे पर्ची, जी इतना है, इतना है, ये इतना है, इतना मिल जाता है, और साइन कर देता है, और लाख दे देता है, लीजिए हम ये रिसीव करवा चुके, जितना सामान भेजे थे सही सलामत पहुंच गए, यह प्रूफ है, उसे नहीं दे देते हैं सर, लेते हैं सर, जब पूरा हो जाता है साइन करते हैं, देखना साइन करते हैं सर, कौन जो सामान उतरवाता है ले लेता है, साइन करता जी ये रिसीव हो गया, ये रिसीव हो गया, ये रिसीव हो गया, ये रिसीव हो गया, वो रिपोर्ट फिर से जाता है, वो दे देता है, लीजिए सर मैं दे के आया, फोन पे किसी से बात करा देगा, देखिए तो ध्यान देना, ऐसा जल्दी होता नहीं, फिर भी क्या पढ़ाया था हम अकाउंटिंग कंसेप्ट में, एविडेंस कंसेप्ट,
एविडेंस होना चाहिए, आगे चलते बात व्यवहार से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। उसका प्रूफ हो कि अगर मालूम है पैसा नहीं, माल मोहन नहीं पहुंचा है तो हम दिखा सके पहुंचा नहीं, साइन कौन किया, ठीक है। और पहुंच गया अभी पैसा नहीं दे रहा, क्यों पैसा नहीं दोगे, जाके हम कंप्लेन कर सके, FIR दर्ज करा सके, ठीक है, मुकदमा लड़ सके, जीत सके, पैसा ले सके। अगर नहीं रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे, झूठ बोल रहे, हमारे साथ समन्वय नहीं है, कॉल का प्रूफ है, हम नहीं जानते। अच्छा, देखेगा जब मेहमानी करना होगा तो तू फोटो खींचोगे तू देखेगा क्या फोटो खींच रहे हो। कहेगा चलो 10 को आया था, 2 को नहीं है, कितना फोटो खींचोगे। चलिए उसके बाद से लिखा गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब अगर कोई सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस, तो 2 ही कॉपी बनता है, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट, जैसे हमारे यहाँ बनता है, हम सर्विस देते हैं, आप फीस जमा करते हो, देखते हो सर जी रसीद बनाते हैं और नकली वाला देते हैं, असली वाला, असली वाला सही वाला फाड़ के आपको दे देते हैं, कार्बन कॉपी अपने पास रखते हैं कि अगर कभी मिलाना हो, 1,000 का 10,000 बना लिए तो मिला लेंगे, ठीक है। हाँ ऐसा होता है, कई लोग 1 का 2 बनाते, इतना बढ़िया से बनाते, पता नहीं चलता 2 बन गया, ठीक है। इसीलिए देखते हो ना, हम लोग लिखते हैं 2 जगह, 3 जगह, एक जगह 1,000, फिर से नीचे 1,000, तब लिखते हैं 100 मात्र, 200 मात्र, 1,000 मात्र, या 1,000 ओनली, या 1,500 जमा करते तो 1,500 ओनली, ठीक है। कहाँ कहाँ काटोगे, अब इतना रसीद हम नहीं बनाए, एकदम पूरा काटे काटे बनाए थे, ठीक है, तो पकड़ में आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, एक आइडिया बना दी, बता दिए आप, ठीक है, अच्छा ट्राई कर लेना, ठीक है। तुम तो जानते हो, जो पकड़े जाओ तो रोकेंगे और गैलरी में बांध देंगे, और जो लड़का कहे देखो ये बेईमान है, 1,000 का 2,000 बनाया था, 1,000 का 2,000 बनाया था। चलो अब क्लियर है सबको, मतलब गुड्स के कंडीशन में कितने कॉपी, एक किसके पास, एक रिसीवर के पास जो सामान खरीद रहा है, एक जो सामान लेके जा रहा है, एक जो बेच रहा है। चलो अब कोई पूछे, ओरिजिनल किसको, जो माल खरीद रहा है, डुप्लीकेट किसको, जो सामान को ले जा रहा है, और ट्रिप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेंगे विश्वास के। और सर्विस के कंडीशन में कॉपी मेरे पास रहेगा, ओरिजिनल उसके पास रहेगा, क्लियर है। अब चलो इसी टेबल को यहाँ फिर से समझाया गया, क्या टाइप्स ऑफ डीलर, टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ इनवाइस, ये जो ऊपर पढ़ाया हूं कि जब रेगुलर डीलर किसी टैक्सेबल गुड्स को बेचता है तो वहां पे टैक्स इनवाइस बनेगा, जब रेगुलर डीलर किसी एग्जेम्प्टेड गुड्स को बेचता है तो बिल ऑफ सप्लाई बनेगा, जब कंपोजिशन डीलर चाहे टैक्सेबल गुड्स को बेचे चाहे एग्जेम्प्टेड गुड्स को बेचे, दोनों ही कंडीशन में बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो चलो आप लोग का थ्योरी कंप्लीट।